दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, इसके रिजल्ट आने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो इस संबंध में आपको पता होगा कि बीपीएससी ने बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी परीक्षा कराई, किसी भी प्रकार का कोई आरोप या पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं आए हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर बिहार में आप देख रहे होंगे कि एसटेट की प्रक्रिया बहुत ही तेज, मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड से प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ फॉर्म भराए गए और अगले दिन एडमिट कार्ड आ गया और पेपर भी शुरू होने वाला है। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि जल्द होगी एक और शिक्षक बहाली, जुटा रहे हैं रिक्तियां। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बिहार में जल्द होगी एक और शिक्षक बहाली, अक्टूबर में हो सकती है शिक्षक नियोजन की घोषणा। पटना से प्रकाशित खबर है, कहा जा रहा है शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। जिलों ने यह जानकारी दो दिन पहले ही भेजी है। जिलों से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों का विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अगर इतना जल्दी ना करना होता है इनको बहाली, तो फिर ये लोग आपका जो है एस्टेट क्यों कराते। कारण है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा कि एक तरफ जहाँ पर जो सरकार है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी तरफ एक नया गठबंधन बन रहा है, उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ये नियुक्तियां हो जाएं। इस वजह से बहुत तेजी से काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां भी बीपीएससी ही करेगा। आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से रिक्त हुए पद होंगे। इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक शामिल हैं, मृत शिक्षकों की संख्या भी हासिल की गई है। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है, इसी में सर्वाधिक पद रिक्त हैं और ये भर्ती जो आपकी चल रही है इसमें भी बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये परीक्षा 23 से 26 अगस्त को हुई थी। इसमें लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई थी। अब शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। तो विभाग यहाँ पर पूरी तरीके से तत्पर है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मतलब ढीली नहीं बरतनी है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। और जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है वहाँ पर हाथ पैर चलाइए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, वेट मत करिए कि यूपी में कब भर्ती आएगी, अन्य स्टेट में कब आएगी। जब अन्य स्टेट को मौका मिल गया है तो यहाँ पर आप इसके लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिएगा। इसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो यहाँ पर बहुत बड़ा आपको नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात बता करके हम अपने वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।